तो हम थोड़ा सा फिर रिकैप कर देंगे, ठीक है? हाँ उनके मैं फिर समझा दूंगी, ताकि आप अभी तो फिर जो है ना, मैं तब तक, चले आप ओके लोगों के मैं एमसीक्यूज जो है वो तब तक करवा लेती हूँ. ओके, लेट्स ओके डू द एमसीक्यूज अगेन. ओके, द फर्स्ट वन इज द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, विच टेंस इज यूज इन द सेंटेंस? जी सर, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, वेरी वेल डन. नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव आर्मी इज कलेक्टिव नाउन. ओके, नाउ यान, आई एम लुकिंग फॉर समवन डैश कैन वॉच माई डॉग व्हाइल आई एम ऑन वेकेशन. चूज द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, लेट मी चेक द आंसर. हु? ओके, द नेक्स्ट वन सादिल आंसर. चूज द बेस्ट आंसर. आई एम टायर्ड, आई डैश फॉर 3 आवर्स. आई हैव बीन स्टडीइंग वेरी वेल डन. जी अयान, हिज बॉडी वॉज शेकिंग विथ फ्यूरी, राइट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेज, अर्थक्वेक, कामनेस और फियर. ओके, कामनेस, वेरी वेल डन, बिकॉज वी हैव टू राइट डाउन द एंटोनिम. जी सर, द नेक्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इज. हम साथ, आई वुडंट हियर यू बच्चे. ए टू लिव विद एन इनकम ओके ओके, वेरी वेल डन, शाबाश. द सेवेंथ वन, अयान विल डू, ही इज ए चिकन एंड कैन नॉट फेस डिफिकल्टी. इन दिस सेंटेंस चिकन रेफर्स टू बी. ओके, अ कावर्डली. नेक्स्ट वन सात विल डू, विच वन ऑफ द, मैम डी ऑप्शन डी ऑप्शन. ओके, डू यू रिमेम्बर व्हाई? सर, डू यू रिमेम्बर व्हाई? लाइकवुड में शुड आता है हाँ जी, लाइकलीहुड जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि यू आर श्योर दैट दिस थिंग मस्ट हैव हैपन, ठीक है? मतलब आपको यकीन होता है. तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि दे शुड बी स्लीप बाय नाउ, मतलब वो अभी तक सो जाना चाहिए, तो सो गया होगा, ठीक है? अच्छा जी अयान, नेक्स्ट वन, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रेपोजिशन. जी अयान, ओके वेट, लेट मी चेक द आंसर. एट, वेरी वेल डन. ओके सर, डू यू रिमेम्बर दैट? बच्चे, यू आर नॉट यस सपोज टू राइट डाउन इन. ओके, एट. ओके, नेक्स्ट वन मैम सात विल डू, वी शैल मीट डैश द एयरपोर्ट, यूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस. ओके एट, वेरी वेल डन. व्हाई नॉट इन? व्हाई नॉट इन मैम वो जगह बता रहा है प्लेस बता रहा है तो ऐट इसलिए यूज़ एग्जैक्ट जगह है ना, कौन सी जगह, एयरपोर्ट है, ठीक है, रेलवे एयरपोर्ट स्टेशन है या कुछ है, वो हमें नहीं पता, बस एक एग्जैक्ट जगह उन्होंने बताई है, एयरपोर्ट है, ठीक है? अगर वो कहते ना कि वी शैल मीट डैश द प्लेस, अब वो प्लेस कौन सी हमें क्या पता, फिर भी वहां पर यस एट ही आता, इन नहीं आता, इन ज्यादातर मोस्टली कंट्रीज के साथ आता है. मैम प्लीज टेक द डैश ऑफ द टू रूट, चूज द बेस्ट आंसर. अयान, अयान बेटा, टेल मी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 11th एमसीक्यू. प्लीज टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स, चूज द बेस्ट आंसर. जी, ओके, शॉर्टेस्ट नहीं. अयान, अयान, लिसन टू मी बेटा केयरफुली, प्लीज टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स, शॉर्टर, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट और मोर शॉर्ट. नाउ देर इज कंपेरिजन बिटवीन टू रूट्स. वेन देर इज कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यू यूज कंपेरेटिव डिग्री, नॉट द सुपरलेटिव डिग्री. एंड इन द कंपेरेटिव डिग्री यू यूज ई आर, नॉट ई एस टी. ओके जी, नाउ टेल मी द आंसर. अयान, शॉर्टर, यस, वेरी गुड सर, डिड यू गेट इट बच्चे? फर्स्ट यस ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन यू कैन राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इफ इट इज वन वर्ड, इफ इट इज वन सिलेबल वर्ड, देन यू आर गोइंग टू ऐड ई आर विद द कंपैरेटिव डिग्री, और अगर वो सुपरलेटिव है तो ई एस टी. इफ इट इज मोर देन वन सिलेबल वर्ड, जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट,
इट इज थ्री सिलेबल वर्ड, तो उसमें आपके साथ मोर एंड मोस्ट लगेगा. क्लियर? ओके जी. द 12th वन असात विल डू. हर पर्स वॉज डैश बाय मी. चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर द पैसिव वॉइस. ऑन मैम हाँ, डू यू रिमेम्बर व्हाई व्हाई यस नॉट मैम, फाउंडेड? वो फाउंडेड मैम वो कि बनाने को कहते हैं, जैसे उसने हाँ, और बनाया। ये उसकी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है. फाइंड पहला है, मतलब जिसका मतलब है तलाश करना. फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर थर्ड लगी है तो यहाँ पर फाउंड आ गया. वेरी वेल डन. अयान 13. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. द अंडरलाइन पार्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडवर्ब इन्फिनिटिव और पास्ट पार्टिसिपल. ए. अच्छा, वेरी वेल डन. ओके बॉयज, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दिस एमसीक्यू. व्हाट इज द फंक्शन? मैम आइदर इट रोलिंग इज वर्क, यस, आइदर इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोलिंग हियर? वर्ब वर्ब हो रहा है ना वर्ब. जी मैम, कैन यू उसको क्या कहते चेंज द कैन यू सर कैन यू चेंज द फॉर्म ऑफ रोलिंग? कैन यू चेंज इट्स हैं। फॉर्म? प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट परफेक्ट में जा सकती है इस रोलिंग. रोल्ड स्टोन मैम हो सकती है कैसे हो सकती है? मैम, आई रोल्ड सोन गैदर नो मास गैदर नहीं मैम, नहीं हो सकती नहीं हो सकती ना, क्योंकि जी रोल जो है, रोल तो आपके पास वर्ब तो नहीं है, ठीक है, रोल तो मैम नाउन होगा आपके पास, समझ आ गई. दूसरी बात ये जी कि मैम रोलिंग लिखा हुआ है, आपको सिर्फ मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज नॉट गिवन, रोलिंग जी इज गिवन. इट मींस दैट वर्ब प्लस आईएनजी इज गिवन. यस व्हेन मैम एवर यू हैव, यू कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ एनी वर्ब. इट मींस दैट इट इज नॉट द मेन वर्ब. मेन वर्ब वो तब होता है जब आप उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल. अयान एंड साथ, आर यू गेटिंग मी बच्चे? यस ठीक है. मैम सो हियर अयान गेव मी द करेक्ट आंसर, बट सार लेट मी टेल यू, डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेज डिफरेंट रोल्स, ठीक है. वन ऑफ द रोल्स जी इज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव. नाउ दिस रोलिंग इज टेलिंग यू अबाउट दिस स्टोन. जी मैम एनी वर्ड दैट टेल्स यू अबाउट द नाउन, स्टोन नाउन है ना, नेम है, तो वो जी चीज एडजेक्टिव बन जाती है, चाहे वो पार्टिसिपल हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है. यहाँ रोलिंग इज प्लेइंग द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव. बाज़ुकात यू कैन गेट दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस. प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिंग एज अ नाउन, इस तरह के भी ऑप्शन आ सकते हैं. तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. जब मैं आपको ये करवाऊंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी वर्बल्स, ठीक है, डिटेल में. अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान. मैम इट सिंपल इज अ सिंपल सेंटेंस सेंटेंस. ओके जी, वेरी गुड. यार नेक्स्ट वन इज ईच हैंड हैज फाइव फिंगर्स. नंबर मैनर नंबर. वेरी गुड. ओके बॉयज, लेट्स मूव. यस अयान, वेरी गुड. ओके बच्चे, दिस इज वेरी इजी. इट दिस चंक हैज बीन टेकन फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, मीडिया एंड इम्पैक्ट्स. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, देन रीड द टेक्स्ट, देन गो थ्रू द क्वेश्चंस एज वेल. यस मैम बच्चे, डिड यू फॉलो द सेम पैटर्न इन द पेपर एज वेल? सेम ही पैटर्न मैम फॉलो किया कि क्वेश्चन पढ़े फिर वो? चले, शाबाश. साथ, आपका उर्दू का पेपर कैसा हुआ बेटा? फिट मैम अच्छा हो गया था, फिट हो गया था हो गया था? चले, अल्लाह जी। करे बस अच्छे मार्क्स आ जाए. ओके जी, नाउ ओनली वन लास्ट पेपर इज लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिया.
मैम पाकिस्तान स्टडीज का रह गया बस, उसके आखिरी है। हाँ ओके ओके ठीक है। फिर बेटा आपने भी फुल फ्लैग जो है ना मुझे काम करके देना, ठीक है, फिर मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बिल्कुल मांगूंगी। आपकी जो एग्जेम्पशन थी ना राइटिंग से वो खत्म हो जाएगी सही है मैम। परसों। चले। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आर यू डन विद द समरी? मैम 2 लाइन रह गई। ओके ओके नो प्रॉब्लम। अयान, आर यू डन बच्चे? ओके 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 अयान, आई गॉट द जेस्चर। आपने जो जेस्चर शो किया आई गॉट इट। ओके कि आपने नहीं लिखी अभी, यू कैन टेक 2 मोर मिनट्स, नो प्रॉब्लम। सर, डू यू थिंक कि हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर्स, आपको इससे फायदा हो रहा है? जी मैम हो रहा स्पेशली एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है आपको हेल्पफुल हो रही है ना? हेल्पफुल बिल्कुल है आपके लिए ये। चलो बिल्कुल ठीक है। ओके, आर यू डन बच्चे? मैम वो हदीस हो गया, हो नहीं आएगा। हादी को नींद आई हुई थी, हादी सो गया, उसको जगाओ, क्लास नहीं लेनी उससे, सो गया है। बेटा मैं वो खराटे मार के सो रहा है, मतलब वो गहरी नींद ये में। क्या है, देखा आप लोग क्लास क्यों नहीं लेते हैं, तो समझ नहीं आ रही। चलो देखा। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज जाने दो उसको। आपका वैसे भी परसों लास्ट पेपर है ना, परसों लास्ट पेपर है ना, कोई मसला नहीं है, उसको सोने तो मेरा ख्याल है पेपर के लिए भी जागता होगा। आप फिर जो है ना, जो हमने डिस्कस किया है ना, आप उससे फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है? ओके नहीं तो मैं फिर कल इंशाल्लाह रिकैप कर दूंगी इसका। चलो अयान, डन बच्चे? ओके ओके, अयान रफीक, जी अयान बेटा मैं आपको ना एक पेपर शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आपने वो एमसीक्यूज जो है ना, वो आपने जो है करके ना मुझे फिर बताना है, ठीक है? और उसके जितना भी ग्रामर का पोर्शन है, इज दैट क्लियर? मैम। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके बॉयज, एज सून यू आर डन जस्ट लेट मी नो।
जी अयान रफीक, आई शेयर द पेपर बच्चे। ओके ओके अयान, आप मुझे ना कैमरा पेज की तरफ मोड़ो, आप मुझे पेज के ऊपर कैमरा करके दिखाओ, मैं पढ़ लेती हूँ अभी, ठीक है? या अगर इफ यू वांट टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट्स अप टू यू, जैसे आप रखते हो, पेज को सामने रखते हो कॉपी को, या फिर कैमरे को इधर करते हो। इतना दूर बेटा, आई डोंट हैव टेलीस्कोप इन माई आईज, इतनी दूर से दिखा रहे हो, मुझे नजर नहीं आ रहा। अयान बेटा सामने करे, कैमरे के सामने करे। ओके, आई कांट रीड इट, जस्ट अपलोड इट, जस्ट अपलोड इट इन द ग्रुप। जी साथ, आर यू डन बच्चे? जी मैम, अच्छा जी बेटा, रीड अलाउड द समरी। मीडिया इज वेरी इसेंशियल फॉर द वर्ल्ड. इट हैज हेल्प अस, इट हेल्प पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक भी मिनट साथ, ये एक मिनट। अयान आई कांट सी इट बच्चे, जस्ट टेक अ पिक्चर एंड अपलोड इट इन दी ग्रुप, ठीक है? मैम बस नहीं, मैम मैंने कमरा बंद करवा दिया. अभी माइक खोला. चले सही है, अच्छा ठीक है जी साथ बेटा, गो अहेड। मीडिया इज वेरी एसेंशियल फॉर द वर्ल्ड. इट हेल्प्स पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज मीडिया. इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आर सोसाइटी. इट अवेयर्स पीपल अबाउट सोशल इश्यूज. इट इज बैड टू से दैट वेयर मीडिया हैज अ माउथ पीस. मीडिया प्लेज अ रोल एज अ माउथ पीस फॉर मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन आर सोसाइटी. दैट इज वाई मीडिया हैज बिकम एसेंशियल फॉर आर सोसाइटी. इट कैन ऑल्सो कॉज अस बेनिफिट इफ यूज इट करेक्टली. वेरी वेल डन। अच्छा बेटा, जहां पर आपने मेंशन किया है ना कि मीडिया हैज बिकम अ माउथ पीस, तो यहाँ पर लिखे मीडिया हैज बिकम अ माउथ पीस ऑफ द नीडी एंड द ओप्रेस्ड, ठीक है? ये जरूरी है मेंशन करना, क्योंकि उनकी कोई नहीं सुनता सिवाय मीडिया के, ठीक है? वो अपना जो है ना रेट वो बढ़ाने के लिए, क्या कहते हैं, आरपी बढ़ाने के लिए, जो टीआरपी होती है वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो इनकी वो करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है मीडिया। जी अयान, अयान अली, Yes, ma'am. Media has helped people share knowledge all around the world. There are two types of media, print media and electronic media, but electronic media has gained more attention than the other. It has helped awareness about many social evils and diseases. It has helped us to gain the rights of the oppressed people. What about the last two lines? Okay, you have just mentioned them. Okay, बच्चे, you do have to mention about the corruption, terrorism, drug addiction. Okay, यार, you just skip this idea. Do mention all the ideas that have been written in this text. Do not leave any of the ideas. सारे ideas लिखने हैं आपने, ठीक है? कोई आइडिया छोड़ना नहीं है आपने। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको बताया गया है कि इनकी फीलिंग्स एंड ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है ह्यूमंस की, ठीक है? फिर उसके बाद बताया गया है कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड इट एक्सप्लेन्स एंड जस्ट टेल्स यू अबाउट हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एटसेट्रा। देन इट इज द माउथ पीस ऑफ, और इट द वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड एंड द नीडी पीपल। ये चार हो गए। एंड देन यू विल टॉक अबाउट के थ्रू डिबेट्स एंड टॉक शोज द मीडिया मेक्स पीपल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, सो इट हैज बिकम द इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है? दीज 5-6 पॉइंट्स यू शुड मेंशन इन द समरी। ओके, व्हाट इज द टाइटल मयान? व्हाट इज द टाइटल बच्चे? रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी. हाँ ओके, रोल ऑफ मीडिया इन द सोसाइटी। एंड अयान, व्हाट यू हैव रिटन? मैम वो अभी टाइटल नहीं लिखा. मैम एक सेकंड, आपको सोच करता. ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। ओके, हाउ हैज मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस? जी सर, मैम मीडिया हेल्प्स अस टू शेयर नॉलेज अबाउट, क्या कहते हैं, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज अबाउट द ऑफ द वर्ल्ड. एंड क्या कहते हैं, एंड हेल्प टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. दैट्स व्हाई लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इट हैज अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ वेरी ऑडियंस वेल टू डन, इट. शाबाश। बट यू आर सपोज टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन द आंसर बिफोर, इंस्टेड सही ऑफ है. राइटिंग इट एट द एंड, आपने पहले लिखना है, ठीक है? आप लिखोगी द अटेंशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस हैज बीन मेड बाय शेयरिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, द फीलिंग्स एंड द ओपिनियंस, राइट?
समझ आ गई, बस इतना सा आंसर एंड दैट्स इनाफ फॉर दी 2 मार्क्स। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आप किस टाइम आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा अब इतना भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी अभी आए हैं आप अभी अच्छा, चलिए सही है, कोई बात नहीं। तो आप सुन रहे हैं हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज योर ड्यूटी नाउ, यू हैव टू राइट डाउन द समरी एंड द टाइटल राइट नाउ। ओके ठीक है अब्दुल्ला, अभी लिखें, ठीक है अभी लिखिएगा। आपके पास पेंसिल और कॉपी नहीं है, ठीक है। शाबाश, अभी समरी लिखना स्टार्ट करें। शाबाश समरी लिखिए। ओके अयान, यू डिड नॉट टेल मी अबाउट द टाइटल बच्चे। मैम जेन में वही बार बार बुक वाला ही टाइटल चल रहा है। तो इतने तो हैं, इतना आसान है ये, मीडिया के साथ कुछ भी लगा दो। वाइटल रोल ऑफ मीडिया, ठीक है। ओके जी, डिड यू लिसन टू द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन अयान, वुड यू लाइक टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। मैम इस तरह मैम के जो जो मीडिया मैम एक तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू और दूसरा जो मीडिया है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोबाइल फोन्स और टेलीविजन के थ्रू मैम। अयान डू रिमेम्बर, यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे ना, आपने उनके आंसर्स जो बुक में दिए हुए ना, पूरा चैप्टर उसमें से नहीं देना। द चंक इज गिवन, आपने सारा आंसर इस चंक में से निकालना है, ठीक है। अब आप जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ से फर्स्ट से सेकंड लाइन उठाई है, ठीक है। तो सिर्फ यही है जिसकी वजह से जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा उन्होंने एक ग्लोबल विलेज बना दी है मीडिया ने वर्ल्ड को। तो ये 2 पॉइंट्स आप इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि यहीं से आपने आंसर उठाना है, आपने कॉपी वाला नहीं लिखना, क्योंकि वो पूरी चैप्टर से लिए हुए आंसर। इज इट क्लियर? ओके जी, द थर्ड वन इज, डू यू एग्री दैट मीडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ अवर लाइफ, एक्सप्लेन योर आंसर। जी सर, मैम मीडिया हैज बिकम क्या कहते हैं यस मैम मीडिया हैज बिकम मैम ग्लोबल विलेज वाला ना नहीं सही दूसरा नहीं नहीं सॉरी क्या कहते हैं यस मैम इट हैज एज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल रोल फॉर लाइव्स एज फॉर आवर लाइव्स इन अवर लाइफ, एंड इन अवर लाइफ। हेल्प्स अस टू गेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स दैट्स व्हाई यस इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आई थिंक द आंसर इज इन द थर्ड लाइन, इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मेनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दैट इज वाई इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। और द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, मतलब हमें तो अब सब चीजों के बारे में पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये दो चीजें आपने इसमें मेंशन करनी है, क्लियर। अयान, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? मैम सेम आंसर है मैम जो कि मैम कंस्ट्रक्टिव रोल होता है सोसाइटी के लिए और मैम यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव रोल, बिकॉज द आंसर टू द क्वेश्चन इज, जी बोले। नेसेसरी रोल कर सकते हैं नेसेसरी बच्चा रोल मेरी बात सुने, लिसन टू मी, यू हैव रेड द क्वेश्चंस, द क्वेश्चन अबाउट द कंस्ट्रक्टिव रोल इज इन द सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स में आपके पास वो वाला कंस्ट्रक्टिव रोल वाला आएगा क्वेश्चन, इज इट क्लियर। सो यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन अबाउट द कंस्ट्रक्टिव रोल, यू विल जस्ट मेंशन कि डू यू एग्री दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इफ येस देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, नो नीड टू राइट अबाउट द कंस्ट्रक्टिव रोल। इफ यू वॉन्ट टू राइट अबाउट द कंस्ट्रक्टिव रोल, चेंज द वर्डिंग। फिर आपने वर्डिंग चेंज कर दे ली है, कंस्ट्रक्टिव का वर्ड यूज नहीं करना है इसमें, क्लियर। आपने क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर लिखना है। जब वही क्वेश्चन अगर आप वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी आपने कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं लिखना उसमें, उसने वर्डिंग आपने चेंज कर दे ली। नाउ आंसर द क्वेश्चन। यस मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर एग्जांपल इट हैज हेल्प्ड अस टू गेन अवेयरनेस ऑफ मेनी सोशल इश्यूज अबाउट अबाउट मेनी सोशल इश्यूज,
अबाउट मेनी सोशल इश्यूज, लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एटसेट्रा डेंजरस एटसेट्रा. ओके, वेरी वेल डन. नेक्स्ट वन. ओके अब्दुल्ला, वुड यू लाइक टू आंसर द थर्ड क्वेश्चन बच्चे? समझ नहीं आई, क्या आप एग्री करते हो? अच्छा समरी कर रहे हैं, अच्छा ठीक है. अच्छा छोड़े समरी को, क्वेश्चन पढ़े और यहां से आंसर ढूंढे फिर मुझे बताएं, ठीक है? समरी में एंड में पूछती हूँ आपसे. अच्छा जी. अच्छा यान, आप मुझे कह रहे थे कि मीटिंग की सेटिंग में जाके आप सारा करें. मैं मीटिंग की सेटिंग में गई हूँ, मीटिंग की सेटिंग ही ओपन नहीं हो रही, वो वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं आता. मैंने फिर उस पर जाके यूट्यूब पे जाके सर्च किया सारा, तो वो जो ऑप्शन देते हैं वो मेरे उसमें है ही नहीं, जो जूम मीटिंग वाला है उसमें है ही नहीं मेरे. उसमें सेटिंग में भी गई हूँ, सब जगहों पर मीटिंग वाले में भी गई हूँ, उसमें आ ही नहीं रहा, इसीलिए वो टाइम चेंज नहीं हो सक रहा. स्केड्यूल में मीटिंग जो स्केड्यूल करते हैं। मैं वहीं से तो गई हूँ बेटा, वो मीटिंग स्केड्यूल वाला ओपन ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ से ओपन होता है, वो ओपन ही नहीं हो रहा. हालांकि मैं उसकी सेटिंग में भी गई हूँ, एक एक चीज मैंने देखी है पर नहीं हो रहा. मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगी एक बार यूट्यूब पे दोबारा से वीडियो देखूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि किस पार्ट पर जाकर वो जो है ना मीटिंग जो है, मीटिंग का शेड्यूल सेट नहीं हो रहा. मुझे यान बता रहे थे कि आप इसका जो है ना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें, मतलब अभी तो 40 मिनट्स पे है ना. हाँ देखा ना, मुझे भी यही था ना, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं आता ना. और मैंने जो देखा है उसमें भी यही, एक जितने मैंने एक्सपीरियंसेस उनके पढ़े ना, जो लोग अपने रिव्यूज देते हैं, हाँ, और ये इतनी रहती है इसकी ड्यूरेशन, हम शायद बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो रिव्यूज मैंने पढ़े थे उसमें यही कह रहे थे कि जो है इसमें जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं है, तो वो शायद यही होगा कि उसको पे करना होता होगा. जी बच्चे, आंसर द थर्ड क्वेश्चन अब्दुल्ला. एंड बेटा साथ है ना यार. हाँ बेटा, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट. चलिए शाबाश. जी अयान, आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी अब्दुल्ला बताइए. हाउ, एक्सप्लेन योर आंसर. बेटा यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट एंड फाइंड द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट. आपने अपने से आंसर नहीं लिखना, समझ आ रही है? हाँ चलें शाबाश. अच्छा जी अयान, आप बेटा सोचें, अब्दुल्ला यहां से आंसर देखें, मैं तब तक अयान से पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्थ क्वेश्चन इज, थ्रू मीडिया वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, डिस्कस हाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज थ्रू मीडिया. दिस इज बिकॉज इन द पास्ट दिस पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू ईच अदर, बट नाउ दे सिट एवरी पर्सन सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कैन कॉन्टेक्ट विद एनी पर्सन थ्रू मीडिया. वेरी वेल डन. नाउ यू हैव टू राइट डाउन योर ओपिनियन इन दिस मैटर, ठीक है? इसमें आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल विलेज के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई. इज इट क्लियर? और दूसरी बात, उन्होंने कहा है डिस्कस करें, तो यू कैन राइट डाउन योर ओन ओपिनियन इन दिस. अब्दुल्ला आर यू गेटिंग मी बच्चे? ओके, नेक्स्ट वन इज, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मीडिया टू बी वेरी विजिलेंट एंड ऑनेस्ट? वाई? मैम अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बच्चे, यू हैव टू आंसर. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मीडिया टू बी वेरी विजिलेंट एंड ऑनेस्ट, इफ नॉट दिस विल कॉज अ ग्रेट अनरेस्ट इन द सोसाइटी. हाँ, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट मेक्स पीपल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस. सो मीडिया शुड बी ऑनेस्ट एंड विजिलेंट, अदरवाइज दे कांट मेक पीपल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, ठीक है? अगर मीडिया खुद ही ऑनेस्ट और नहीं होगा, विजिलेंट नहीं होगा, तो वो कैसे किसी को कहेगा कि जी आपने ये गलती की है? समझ आ रही है?
अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज, इन टूडेज वर्ल्ड मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन द सोसाइटी डिस्कस। नाउ अयान, यू कैन राइट अबाउट द कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ मीडिया। एन अब्दुल्ला, फाइंड द आंसर बच्चे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ये क्यों दिया हुआ बेटा पैराग्राफ? थर्ड और थर्ड फोर और फाइव के कंबाइन करके लिखे तभी इसका आंसर बनता आप मुझे बोलकर दिखाएं, मैं बताती हूँ आपको सही है कि नहीं। है मैम। सबसे पहले तो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड इन एवरी लाइफ ऑफ अ पर्सन। और एज इट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द सोसाइटी अबाउट मेनी डिजीजेस एंड सोशल इवल्स। इट वेरी वेल हैज डन। ऑल्सो हेल्प टू गेन द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस पीपल एंड एंड इट मेक्स पीपल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। रिस्पॉन्सिबल फॉर। वेरी वेल डन। नाउ दीज थ्री रोल्स आर दी वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल्स इन द सोसाइटी। अब्दुल्ला बच्चे, आंसर दिस क्वेश्चन। इन टूडेज वर्ल्ड मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन द सोसाइटी डिस्कस। वेरी गुड। हेलो मैम, वो मैम वो बैटरी खत्म हो गई थी, सॉरी। कोई मसला नहीं बेटा, मसला थैंक नहीं यू। बेटा, है। चलो ठीक है चलें ठीक। जी। अब्दुल्ला बताइए ना बेटा, आपने अभी एक ही बताया है, दूसरा भी बताइए। डाउन ट्रॉडन के बारे में बताइए, इसका मीनिंग है द ऑप्रेस्ड एंड द नीडी। The problems of yes, and the third role is don't make it specific to any politician, just write it down. It makes people to think about their actions. ठीक है, ओके जी। द नेक्स्ट वन इज, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ओके, साथ वी वर डिस्कसिंग दी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, थ्रू मीडिया द वर्ल्ड हैज बिकम अ वर्ल्ड हैज ग्लोबल बिकम अ विलेज, ग्लोबल विलेज, सो यू आर सो गोइंग टू यू आर टॉक गोइंग टू अबाउट। टॉक अबाउट साथ बच्चे, जस्ट सर। म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। हाँ जी, सो यू विल टॉक अबाउट द ग्लोबल विलेज एज वेल एज यू विल एक्सप्लेन इट कि हाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। नाउ एनी पर्सन कैन कॉन्टेक्ट एनी पर्सन बाय सिटिंग एट वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है। देन द सेकंड क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी वेरी विजिलेंट एंड ऑनेस्ट? बिकॉज इफ द मीडिया इज नॉट विजिलेंट एंड ऑनेस्ट, इट कैन नॉट मेक अदर पीपल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। ठीक है, सो इट शुड बी विजिलेंट एंड ऑनेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन टूडेज वर्ल्ड मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन द सोसाइटी। यू विल मेंशन 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट डिफरेंट सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड इट टेल्स अस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इट मेक्स पीपल टू थिंक अबाउट देयर एक्शंस और देयर रॉन्ग डूइंग्स। ठीक है, एंड इट मेक्स देम बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन ट्रॉडन? जी अब्दुल्ला, द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड पीपल। वेरी वेल डन। विजिलेंट साथ, मैम विजिलेंट मतलब क्या नाम है मैम, उसे सेंटेंस के हिसाब से बता दूं। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताइए। मैम जो बड़ी इंस्टीट्यूशन होती हैं ऐसे इसके दो मीनिंग बनते हैं बेटा, एक वॉचफुल, वॉचफुल, WATCH, वॉचफुल। अब्दुल्ला, राइट डाउन द मीनिंग्स। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू स्ट्रेचिंग योर बॉडी? ओके जी, वॉचफुल, और दूसरा विजिलेंट का मतलब है केयरफुल। ठीक है, सही है।
अच्छा जी अयान, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल? मैं मैं बताऊं, बताऊँ? समवन असाइंड फॉर दैट वर्क, अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल. मैम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यू हैव टू राइट द आंसर इन इंग्लिश. ठीक है, तो इंग्लिश में ही बोले ताकि फिर इंग्लिश में ही आपको आंसर याद. ठीक है, ओके जी. पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास, मेनी अ टाइम्स यू पीपल हैव एक्सप्लेन्ड इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन. क्वेश्चन इज, डिड यू नोटिस बच्चे, हियर दे हैव गिवन द स्टेंजा एंड गिवन यू फाइव क्वेश्चन. हाँ ऐसा ही है ना, जी मैम, हालांकि हमारे जितने भी प्री बोर्ड में हम लोग लेते हैं या मॉडल पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, देयर वर थ्री क्वेश्चंस फॉर द स्टेंजा, राइट? बट दे हैव गिवन यू फाइव क्वेश्चंस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइव क्वेश्चंस एज वेल. ओके, एंड चेक आउट द मार्क्स. अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. तो मैम तीन मेरा, देते हैं, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है ना। हाँ जी, ये देखो ये भी चलिए सिक्स ही मार्क्स हैं, ये भी सिक्स ही मार्क्स हैं, लेकिन उन्होंने वन वन करके उन्होंने क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा कर दी. अब्दुल्ला वेयर आर यू बच्चे, कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एन अयान अली, व्हाई योर कैमरा इज ऑफ, वेयर आर यू. हाँ जी अब्दुल्ला, कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बच्चे. जी ओके 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 बच्चे, सो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस वन बाय वन. ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज द मेमोरी ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स हैज ऑन द मूड ऑफ द पोएट? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? अच्छा, बॉयज डू रिमेम्बर इट हैज ओनली वन मार्क, सो टू द पॉइंट आंसर शुड बी देयर, नो इररिलेवेंट मटेरियल शुड बी रिटर्न. व्हाट इफेक्ट डज द मेमोरी ऑफ द गोल्डन डेफोडिल हैज ऑन द मूड ऑफ द पोएट? इट हैज ए वेरी प्लेजेंट एंड वेरी गोल्डन साइट ऑफ प्लेयर फॉर द बोर्ड। वेल डन. एंड बच्चे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. यू विल राइट अबाउट द इफेक्ट. ओके, द जी मेमोरी ऑफ द गोल्डन डेफोडिल हैज ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट एंड प्लेजेंट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मूड ऑफ द पोएट. इज इट क्लियर? सही अब्दुल्ला, है। अयान, आर यू गेटिंग मी बच्चे? ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा? लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा अब्दुल्ला बताएंगे. सात अक्षर, फॉर्मिफिकेशन सात पर्सोनिफिकेशन. ओके, हाउ, वो उसकी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की होकर। वेरी वेल डन, डांसेस. थर्ड वन इज, राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा. जी अयान अली, ड्राइविंग स्कीम ए बी सी सी। ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज, राइट द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. जिस सार बेटा, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वैकेंट? मैं वेकेंट और पेंशन, मैं क्या नाम है, वेकेंट क्या होता है, एक सेकंड। मैं बोरिंग मूड। काइंड ऑफ हैविंग नो थॉट्स, हैविंग नो थॉट्स, और यू कैन से थॉटफुल. ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो या बिल्कुल नहीं सोचते, ये दोनों आंसर इसमें, दोनों मीनिंग इसमें आ सकते हैं. ठीक है, एंड प्लेजर अब्दुल्ला. अब्दुल्ला, अयान म्यूट रखे, म्यूट योर माइक. अयान म्यूट योर माइक. अब्दुल्ला, आई डिड नॉट लिसन टू यू बच्चे. फीलिंग सेटिस्फाइड, ओके, हैप्पी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनवर्ड आई? अयान अली विल टेल मी. ओके, साद विल टेल मी. मैम, व्हेनेवर द पोएट क्लोजेस आईज ही सी द साइट ऑफ द डैफोडिल्स, दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज इनवर्ड आई। वेरी वेल डन, बट द बेस्ट आंसर इज दैट द टर्म इनवर्ड आई रेफर्स टू द इमेजिनेशन ऑफ द ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ डेफोडिल्स, राइट? इमेजिनेशन ऑफ, क्योंकि इनवर्ड आई मेटाफर है जो मतलब है इमेजिनेशन का, ठीक है, मेमोरी का. सो इन द टर्म इनवर्ड आई रेफर्स टू
इमेजिनेशन ऑफ द ब्यूटिफुल डेफोडिल्स और द मेमोरी ऑफ ब्यूटिफुल डेफोडिल्स. अब्दुल्ला आर यू गेटिंग मी बच्चे? ओके अयान अली किधर गए? अयान अली शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए. अच्छा जी द नेक्स्ट वन इज माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. व्हाई डज द लिटिल हॉर्स थिंक इट इम्प्रॉपर टू स्टॉप इन द वुड्स? व्हाई व्हाई इट वॉज स्ट्रेंज फॉर द हॉर्स? साथ जी मैम, एक सेकंड। लिटिल हॉर्स थिंक इट इम्प्रॉपर टू स्टॉप। मैम, इम्प्रॉपर क्या मतलब होता है? मतलब मतलब उसको सही नहीं लगा, प्रॉपर नहीं लगा कि यहाँ क्यों खड़े हैं, स्ट्रेंज लगा उसको. द हॉर्स न्यू दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू द सम फॉरेस्ट बिलोंग टू समवन एल्स, सो ही डिड नॉट ही इंडिकेटेड इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम, ही डिड नॉट वांट टू स्टैंड देयर। ओके बट बेटा द आंसर इज इन द सेकेंड लाइन. स्टॉप इज आउट ऑफ देयर वाज नो फार्म हाउस नियर द वेयर दे वर स्टॉपिंग, स्टैंडिंग, सो वेरी वेल डन, बिकॉज दे वर स्टैंडिंग इन बिटवीन द वुड्स एंड देर वॉज नो फार्म हाउस नियर बाय. यस क्लियर? सो दैट इज वाई द हॉर्स थॉट इट इम्प्रॉपर. अब्दुल्ला आंसर दिस क्वेश्चन बच्चे. बाय. ओके ओके बच्चे डू रिमेम्बर साद अब्दुल्ला अयान अली लिसन टू मी केयरफुली. जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखिए, जो टेंस क्वेश्चन में यूज होगा आंसर उसी टेंस में दिया जाएगा. यहां पर डज यूज हुआ है तो आंसर में थिंक्स लगेगा, ठीक है? प्रेजेंट टेंस में आंसर आएगा. अगर यहां पर पास्ट यूज हुआ है तो आपने आंसर में भी पास्ट ही यूज करना है स्टार्टिंग में, जहां से आप आंसर स्टार्ट करते हो. बाकी तो फिर जिस तरह आप लिखते हो वो तो फिर आप टेंस के हिसाब से फिर देखते हो ना, लेकिन जहां से आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे अब ये क्वेश्चन है व्हाई डज द लिटिल हॉर्स थिंक इट इम्प्रॉपर टू स्टॉप, तो आप आंसर ये नहीं लिख सकते द लिटिल हॉर्स थॉट इट इम्प्रॉपर. यू विल राइट द लिटिल हॉर्स थिंक्स इट इम्प्रॉपर टू स्टॉप इन द वुड्स बिकॉज देयर वॉज नो फार्म हाउस नियर बाय. राइट अब्दुल्ला अयान आर यू गेटिंग मी बच्चे? ओके ओके जी. सेकेंड इज डिस्क्राइब द इमेजरी यूज इन द स्टेंजा. वेयर इज द इमेजरी? देन थर्ड लाइन विजुअल इमेजरी। वेरी वेल डन. हु टोल्ड इट? अयान. ओके बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक. नाउ फ्रोजन लेक इज गिविंग यू द विजुअल ऑफ कि वो जमी हुई बर्फ होगी और वो लेक जो है पानी सारा जमा हुआ होगा, ठीक है? अच्छा जी द नेक्स्ट वन इज राइट दिस राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. अब्दुल्ला विल जी टेल मी, अब्दुल्ला विल टेल मी अबाउट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. है ए ए बी ए, ठीक है? क्वियर नियर ईयर और लेक, वेरी गुड. अब आपको समझ आ गई अब्दुल्ला के राइम स्कीम आपने कैसे फाइंड आउट करनी, कहीं से देखी तो नहीं है? अच्छा ठीक है, वेरी वेल डन. नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी फिर नेक्स्ट वन आ गया. राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. फियर, फियर का क्या मतलब है? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर. ओके स्ट्रेंज, वेरी वेल डन, स्ट्रेंज. नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द इवनिंग डार्क. व्हाई इज द इवनिंग डार्क देन द यूजुअल. व्हाई इज द इवनिंग डार्क देन द यूजुअल? यूजुअल से वो डार्क क्यों थी ज्यादा? हाँ बिकॉज इट इज मेंशन दैट कि इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है? इट इज रिटन इन द लास्ट लाइन. इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज वाई इट वॉज मोर, इट वॉज डार्कर देन द यूजुअल. अयान अली डिड यू गेट इट बच्चे? सात. अच्छा जी नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द क्राइम स्टोरी. यूज द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. पुलिस वर. कॉल्ड अच्छा बच्चे जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन, जी व्हाई व्हाई दे हैव रिटन वर विद द कलेक्टिव नाउन पुलिस? कलेक्टिव हाँ नाउन तो हम सिंगुलर नाउन की तरह डील करते हैं ना,
वाई दे हैव यूज वर विद द पुलिस? मैं वो हाँ कैसे? नहीं, आपने पहले सही आंसर दिया था लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन सही नहीं किया। अब यहाँ पर ये रेफर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये पुलिस जो है, मतलब उनके जो चार पांच बंदे हैं उनको रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर ये पुलिस प्लूरल को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ वर लगा है। वरना पुलिस जब सिंगुलर के लिए यूज होता है तो फिर वॉज लगता। इसी तरह फैमिली जब आप सिंगल बंदे के लिए यूज करते हो, मतलब आप या आपका जो एक छोटा सा खानदान है, दो बहन भाई हो गए या जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, सिर्फ उसके लिए यूज करोगे तो फिर आप सिंगुलर की तरह डील करोगे। लेकिन जब आप फैमिली, आप ब्रॉडर वे में उसका मीनिंग लेते हो, प्लूरल की तरह यूज करते हो, तो फैमिली के साथ भी फिर वर या आर लगता है। प्लूरल की तरह ही फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। समझ आ रही है? इज दैट यस क्लियर अयान अली, सर, अब्दुल्ला, इंसार? ओके जी जी बच्चे, आप वन बाय वन जो है ना, एक एक ब्लैंक को फिल करते जाएं। शाबाश। सबसे पहले साथ करेंगे, फिर अब्दुल्ला करेंगे, फिर अयान करेंगे, मैम एंड यू विल रिपीट पुलिस दिस, ठीक है जी? जी, मैम पुलिस वर कॉल्ड टू द नेशनल बैंक। अब्दुल्ला, ओके अयान। 1 बिलियन रुपीज वर स्टोलन जी सर। मैम, नो कस्टमर वाज हर्ट। मैम हर्ट गया है। यस जी। शूट, शॉर्ट, शॉर्ट। शूट की सेकंड फॉर्म भी शॉर्ट है, थर्ड भी शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन सेम वे में आप लोग इसको बताओगे मुझे, ठीक है। यू हैव टू यूज अ प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। साथ, वी मेट अ गर्ल, कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। वेरी वेल डन जी। अब्दुल्ला, नहीं कोई अजीब नहीं है। बुक्स, अब आप पास्ट पार्टिसिपल लगाओ। रीड की पास्ट पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म रेड, वेरी गुड। बुक्स रेड इन द चाइल्डहुड सीम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है, वेरी गुड। यस अयान, I heard my mother talking on the phone. वेरी वेल डन, शाबाश। साथ, We stood waiting for the taxi. शाबाश, गुड जी। अब्दुल्ला, नहीं लूज की थर्ड फॉर्म लगाए ना, हैविंग जो है। हाँ, आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट लगाना है पार्टिसिपल? हाँ नहीं, लॉस्ट होगा ना, Lost. हैविंग लॉस्ट माय पासपोर्ट, आई अप्लाइड फॉर अ न्यू वन। जी अयान अली, नेक्स्ट वन। While skipping the rope, she hurt her leg while skipping वेरी वेल डन जी सर, rope. The letter was badly written. वेरी गुड। अच्छा जी, पंक्चुएट दी फॉलोइंग, हु विल डू इट? ही सेज लग गया, इसका मतलब ये है कि इट शुड बी इन द डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास आर नेसेसरी, ठीक है। सो यू विल स्टार्ट, आई नो, बाय ओपनिंग द इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। आई का आई शुड बी कैपिटल। एवरी आई नो एवरी किड इन प्रैक्टिकली द होल स्कूल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। एक डायलॉग आधा यहाँ खत्म हुआ। ही सेज के बाद दोबारा कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास ओपन आएंगे, फिर सम का एस बड़ा होगा। डू रिमेम्बर, इन्वर्टेड कॉमास के बाद पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सम ऑफ दोज गाइज इन स्कूल ऑन टीवी डोंट इवन नो द पीपल इन देयर ओन क्लास, फुल स्टॉप। क्लियर अयान? अब्दुल्ला, समझ आ गई? ठीक यस है, साथ को भी आ गई। साथ मैम, मुझे एक्सप्रेशन दे देते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है, बाकी अब्दुल्ला और अयान जो है वो बोलते हैं तो तब मुझे पता चलता है। अच्छा जी, सेक्शन सी में आ जाता है। राइट एन ईमेल टू एन अमेरिकन फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन पाकिस्तान ब्रीफली। यू कैन टॉक अबाउट नारान, यू कैन टॉक अबाउट कागान, यू कैन टॉक अबाउट सवात वैली। जी हमारे पेपर में आया था पेपर में आया था, हाँ जी आपने भेजा था, हाँ जी उसमें ज्यादा, लेकिन वो टूरिस्ट लिखा हुआ था बस, बाहर हाँ अभी जी यहाँ पर ये फॉरनर आ गया ना अमेरिकन, और वहां पर आपका ऐसे ही जर्नल लिखा हुआ था कि मतलब किसी भी टूरिस्ट को आपने बताना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि यू कैन, आप मुझे डेस्टिनेशंस बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं। आई डिस्क्राइब सम ऑफ, नारायण दगाल, हाँ कश्मीर जी मैम।
वेरी गुड, वही ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू विल राइट डाउन दी बॉडी. ओके, बॉडी का जो लेंथ होगी वो आपने 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखनी है, कि आपके 4 मार्क्स पैटर्न के होते हैं, 4 मार्क्स जो हैं आपकी बॉडी के होते हैं. तो डू रिमेम्बर, पहले वो पैटर्न के मार्क्स दे देते थे अगर आप बॉडी नहीं भी लिखते थे, ठीक है. बाज बच्चे ऐसा करते थे कि पैटर्न लिख देते थे, बॉडी को छोड़ देते थे. तो अब उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है पेपर के जो क्राइटेरिया है चेकिंग, उसमें मेंशन किया है कि अगर आप पैटर्न लिख दोगे, बॉडी नहीं लिखोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. बेटा जो लेटर का पैटर्न होता है ना, जो स्टार्टिंग और एंडिंग होती है, सैल्यूटेशन होती है, और जो एंडिंग होती है सब्सक्रिप्शन, वो कहलाता है पैटर्न. जो बीच में आप थीम लिखते हो ना, यानी आप जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में लिखोगे, तो वो सारा आपका बॉडी ऑफ द लेटर कहलाता है. यानी वो नहीं होगा तो आपका लेटर कंप्लीट नहीं होगा, जिसमें आप लिखते हो अस्सलाम मैम यही वालेकुम. पूछना चाहती हूँ, जी अगर आनंद, इररिलेवेंट होगा और उसमें जीरो होंगे तो फिर भी आपको पैटर्न के भी नंबर नहीं मिलेंगे, अगर लिखा है और लेकिन वो इररिलेवेंट है। नहीं, लेकिन देखो पहली बात तो ये है ना कि इररिलेवेंट क्यों लिखना है. जिन्होंने इररिलेवेंट लिखना है, फिर उनका पैटर्न भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है जब उनको समझ ही नहीं आई तो फिर उनके तो वैसे भी पैटर्न खराब होगा. ठीक है, ईमेल कितने लेटर्स की हो सकती है, क्या मतलब? नहीं, मेरी बात सुने, एक पेज पे आपको उन्होंने ई शीट क्यों इंट्रोड्यूस करवाई है? सिर्फ इसीलिए ही करवाई है कि आप उसमें एक्स्ट्रा ना लिखें. आपका स्टार्टिंग और एंडिंग के आपका तो तकरीबन मेरे हाल है 1/3 पेज तो उसमें निकल जाता है, ठीक है. बाकी बच जाता है फिर आपका ईमेल में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी होती है, तो आपके पास मेरे हाल है हाफ पेज बचता है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा. तो बस वो आपका होना चाहिए बॉडी का, ठीक है. लेकिन याद रखिए, आपने हमेशा सॉलिड पॉइंट्स लिखने, सॉलिड पॉइंट्स लिखने हैं, बात को रिपीट नहीं करना और खत्म करना है बात को. टू द पॉइंट आपने बीच में बात करनी, से स्टार्टिंग में आप हाय हेलो कर सकते हो, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में आप हेलो हाय भी नहीं कर सकते, ठीक है. उसमें जस्ट टू द पॉइंट लिखो, जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो आप ईमेल या लेटर, तो आप जस्ट ऐसे स्टार्ट करोगे, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस इशू, दिस इशू, दिस इशू, जो भी आपने इशू डिस्कस करना है. आप ये नहीं कहोगे, डियर सर अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये वो ब्ला 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 ब्ला, नो. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फॉर्मल में आता है और वो उसमें नहीं होता. अयान अली बेटा, व्हाई हैव यू टर्न ऑफ योर कैमरा? अच्छा जी, आई होप कि यू पीपल हैव अंडरस्टूड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू होल्ड ए फन फेयर इन योर स्कूल. ठीक है, तो आपने फन फेयर के ऊपर रिक्वेस्ट करनी है, तो आपने बताना है कि इज इट नेसेसरी फॉर अवर क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रेस, बिकॉज को करिकुलर एक्टिविटीज आर नेसेसरी इन स्कूल्स, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देमसेल्व्स, जो भी आप लिखना चाहते हो ब्ला ब्ला, ठीक है, वो आप तक है कि आप क्या लिखोगे. तो आपने जस्ट एप्लीकेशन का पैटर्न भी सही लिखना है, इसमें एप्लीकेशन का पैटर्न जो है उसमें भी आपके 4 मार्क्स पैटर्न के हैं और 4 मार्क्स आपके बॉडी के हैं. अयान अली, आर यू गेटिंग मी और नो? बच्चे, यू हैव टर्न ऑफ योर कैमरा, सो आई कांट लुक एट यू एंड गेट एन आइडिया अबाउट आर यू गेटिंग मी और नो. अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, काइंडनेस और एग्जामिनेशन. काइंडनेस पे आप लोगों को मैंने गुड मैनर्स पे बोला था, उसी से रिलेटेड है काइंडनेस. और ये आपका इस वक्त भी आया था ना साथ, काइंडनेस के ऊपर आया था ना इस बार भी. जी मैम, ट्री प्लांटेशन और काइंडनेस पे आया था। हाँ, उन्होंने इसी को देखो कॉपी किया है शायद, टॉपिक ना यहीं से कॉपी किया है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू. जी बेटा, अब आप करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मैं आपको करेक्शन आपकी करूंगी, करेक्ट करूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. चलें जी, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज पर इसकी ट्रांसलेशन लिखें और फिर मुझे दिखाएं. चलें, शाबाश. अयान अली, अयान अली, वेयर आर यू बच्चे? जी अयान अली, राइट डाउन दी ट्रांसलेशन. सबसे पहले बेटा एक एक वर्ड को उर्दू में ट्रांसलेट करो, फिर उसको जो है ना ऑर्गेनाइज कर लो. इंग्लिश में आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उर्दू में आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एंड में वर्ब आता है, ठीक है. तो उस हिसाब से आपने सेटिंग करनी है. चलें, अब देखो मैं आपको फर्स्ट लाइन करके बताती हूँ. नॉइस, शोर, पोल्यूशन, आलूदगी, कॉजेस, वजह, नॉट, नहीं, ओनली, सिर्फ, इन्वायरमेंटल, माहौल की, डैमेज, तबाही, बट, बस लिखा हुआ इधर, बट, लेकिन, इट, ये, आल्सो, भी,
हैज रखती, नेगेटिव इम्पैक्ट मनफी असरात ऑन पर ह्यूमन लोगों हेल्थ, हेल्थ को क्या कहेंगे, सेहत। तो अब इसको तरतीब दे दो, समझ आ गई। अब्दुल्ला समझ आ रही है या नली, आर यू गेटिंग मी बच्चे। अच्छा यस सर। चलिए बेटा, आप लोग ट्रांसलेशन करें फिर मैं देखती हूँ। बच्चे व्हेन यू आर डन लेट मी नो, ओके। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी बच्चे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती कोई चीज तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी बच्चे डन, ओके। मैम एंग्जायटी को क्या कहते हैं? एंग्जायटी जी को क्या कहते हैं? पढ़ दूँ मैं। एंग्जायटी को जज्बाती दबाव। इंसोमनिया का तो पता होगा, नींद की कमी, स्लीपलेसनेस। एग्रेशन का पता है, ठीक है, गुड। इसका मतलब है अब्दुल्ला की उर्दू भी अच्छी है अब्दुल्ला। नहीं, अच्छी बात है ना, आप ऐसे ही सीखते हैं ना, बंदा ऐसे ही सीखता है, ठीक है। स्टार्ट में तो हर बंदा अल्लामा तो नहीं होता ना, सीख कर होता है। हैं क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं आप। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो अच्छी बात है, फायदा हुआ है ना। चलो शाबाश, डन बच्चे। अच्छा चलिए ठीक है, शाबाश। जी साद, आर यू डन? अयान अली, व्हाई हैव यू टर्न ऑफ योर कैमरा बच्चे। लास्ट लाइन है मैम। लर्नर्स को क्या कहते हैं? मतलब उसको इस तरह लिखते हैं कि सीखने वाले। हाँ तुलबा ही कहोगे ना, सीखने वालों को तुलबा ही कहते हैं ना। अब जैसे आप लोग लर्नर हो, मैं लर्नर हूँ, ठीक है, जो सीखता है वो लर्नर कहलाता है। जी
आप टेंशन को टेंशन भी लिख सकते हो उर्दू में, लेकिन अगर टेंशन नहीं लिखना तो कशीदगी लिख सकते हैं, कशीदगी। ठीक है, क्या से होता है जी। अयान अली, आर यू डन बच्चे? अयान अली, यस और नो? ओके। मैं साद, आर यू डन? अब्दुल्ला? ओके ठीक माफ है। साद मुझे पहली लाइन बताएंगे, फिर दूसरी अब्दुल्ला और तीसरी अयान अली, इस तरह। ठीक है ओके जी। साथ पहली बताइए। ठीक लिया है, हैं माहौल की लास्ट आलूगी, मैं पहली बता दूं, मैं माहौल की सुनाऊं। आलूगी जी जी बता दें। मैम, शोर की आलूगी माशरे की तबाही का बायस बनती है, इसके अलावा इंसानी सेहत फिर भी इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात इसके हो सकते हैं। बुरे नहीं लिखने, बुरे बैड होते हैं, नेगेटिव है तो मनफी होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको ना एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके बताया था। आप जो है ना, आपने इसको पूरे सेंटेंस को इस तरह लिखना है कि माहौल की आलूदगी ना सिर्फ माशर्ती तबाही बल्कि मनफी असर, जो इंसान की जिंदगी सेहत पर मनफी असर भी डालती है। आपने दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाकर कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, साथ समझ आ गई? माहौल शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती तबाही बल्कि इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात डालती है। ठीक है, समझ आ गई? अयान अली, डिड यू गेट मी जी? अब्दुल्ला, सेकंड लाइन। यस साथ आप बेटा समझ आई? जी मैम, लिख लिया मैम। ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। काइल करती नहीं है, का बाहिस बनती है। इट कैन कॉज है, कॉज कहते हैं जब आप किसी चीज का बाहिस बनते हो। कॉज कहते हैं किसी चीज की, मतलब किसी चीज का बाहिस बनना। ठीक है, माइल नहीं करती, बाहिस बनती है। अब इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। इट को आप माहौल की आलूदगी नहीं कहोगे, इट को आप ये कहोगे, क्योंकि वो रेफर कर रहा है नॉइस पोल्यूशन की तरफ, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, शदीद बेचैनी, हेयरिंग लॉस को क्या कहते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाना, हाँ जी, हेयरिंग लॉस, बहरा हो जाना, रेस्टलेसनेस, शदीद बेचैनी, डिप्रेशन कहते हैं, दिमागी कशीदगी और नींद की कमी का बाहिस बनती है। नींद की कमी, आगे फिर अयान अली बताएंगे। अयान अली बेटा, थर्ड लाइन आप बताएं। मैम बस ये बता दें, इंसोमनिया को क्या होगा? इंसोमनिया इंसोमनिया नींद की कमी को कहते हैं, स्लीपलेसनेस को कहते हैं, स्लीपलेसनेस को, जब आपको नींद नहीं आती। अब यहां पर फर्दर लिखा हुआ है ना, देखिए, इंसोमनिया कैन फर्दर लीड, तो आप कहोगे इसके अलावा नींद की कमी जो है, आगे बताएं फिर। मैम, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैम बताऊं थर्ड लाइन की? बताइए। नींद की कमी, मजीद परेशानी, खराब मिजाज और जज्बाती। मैम दबाओ स्ट्रेस को क्या कहेंगे? दबाओ दबाओ दबाव का दबाओ, बाइस हाँ, बनती है। काबाहिस बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन फिर साथ करेंगे। इन एडिशन, अब बेटा ये आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस है, इन एडिशन। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन है ये जी। नेक्स्ट वन। मैम इसके अलावा शोर की आलूगी तलबा पर भी नुकसान का बायस बन सकती है, और इनके लिए जिस्मानी और रूहानी टेंशन पैदा होती है।
नहीं रूहानी नहीं है ये, मेंटल है, जहनी और जिस्मानी। सही है, ठीक है, आप सही लिखोगे इसका जी मैम। कि इस, अच्छा नहीं, इन एडिशन टू, हाँ इसके अलावा ही आएगा ना। जी मैम, इसके अलावा शोर की आलूदगी तालबे इल्म को, इल्मों को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करती है, क्योंकि ये उन्हें ना सिर्फ गैर जरूरी जहनी बल्कि जिस्मानी परेशानी भी देता है। नॉइस पोल्यूशन मेल होता है ना, नॉइस जी पोल्यूशन, हाँ देता है। ठीक है, समझ आ गई बेटा। मैं चाह रही थी कि आज हम जो है ना इसका जो सेकंड वाला, ये देखें आपको मैं पेपर दिखा देती हूँ, ये देखें इस पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 9 पेपर 2000 हार्ड एरियाज। अब यहाँ पर जो है ना इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स थोड़े डिफिकल्ट है, ये पास्ट पेपर ही है लेकिन ये कहीं शेयर नहीं किया गया, ये जो बनाते हैं ना एक से ज्यादा। मैं चाह रही थी ये डिस्कस करूं लेकिन अभी आई थिंक 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, आप लोगों का भी मैं टाइम जो है एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो बेटा इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे, प्लीज टाइमली आ जाइएगा ठीक है, ताकि जी आप मैम, लोगों के लिए भी मसला ना हो। इंशाल्लाह कल हम इसको खत्म करके फिर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाते हैं और फिर प्रैक्टिस पे जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चे।